नमस्ते, मैं गीता खराब आपको आज टेबल मैट बनाना बताऊंगी। आप ऐसे डोर मैट भी बना सकते हैं या थालपोस भी ऐसे ही बना सकते हैं। इसके लिए हमने ये पेपर लिया हुआ है। हमने इसकी लेंथ रखेंगे हम इसकी 4 इंच, 4 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। अब इसका हमें सर्कल बनाना है, हमें सर्कल बनाएंगे अभी। अब हम इसको हेक्सागन में कट करना हमें इसको, इसलिए हम इसके 6 पार्ट बनाएंगे। ये हमारे 6 पार्ट हो गए, अभी हम इन सबको मिला देते हैं। आप जितना साइज, छोटा बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो आप छोटा बड़ा साइज भी कर सकते हैं। अभी शेप को हमें कट करना है, हम इसको कट करते हैं। ये हमारा हेक्सागन कट गया है। अभी हमें इसी इसी की शेप में हमें ये क्लॉथ कट करना है, रेड वाला। ये हमारा ड्रॉ हो गया है, अभी हम इसको कट करते हैं। हमने ये कट कर दिया है। अभी हमें एक बड़े वाला लेना है हेक्सागन। अभी इसकी लेंथ हम रखेंगे 4.5 इंच। अभी आप अगर आपको पेपर पे कट नहीं करना तो आप डायरेक्ट ऐसे क्लॉथ पे भी कट कर सकते हैं। हमने आपको 2 टाइप से दिखाया है, एक बार क्लॉथ से कट करके दिखाया है और एक बार पेपर पे। पेपर पे कट करके चाहे तो आप दोबारा से निशान लगा कट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट क्लॉथ पे निशान लगा के क्लॉथ को कट कर सकते हैं। अभी हम इसको भी कट करेंगे ऐसे। हमने निशान लगा दिया है इस पर। ये हमारे 2 हेक्सागन कट गए, एक छोटा वाला एक बड़े वाला। अभी हम इसकी लेंथ हमने 4 इंच रखी थी, ये छोटे वाला हमारा ये। अभी हमने एक क्लॉथ लिया, 4 इंच इसकी लेंथ है, 4 इंच इसकी विड्थ है। अभी इसको पहले प्रेस करेंगे, फिर से इसको फोल्ड करके फिर से प्रेस करना। अभी इसका मिडिल पार्ट लेंगे हम, ये इसका मिडिल पार्ट आ गया। अभी इधर से इस तरह से फोल्ड करना है इसको और फिर से हम इसको आयरन करेंगे। ऐसे हमें सारी स्ट्राइप्स आयरन करनी है। हमने ये आयरन कर दिया है सारी स्ट्राइप्स। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस पर पिंस लगाएंगे। इधर भी इस पर पिंस लगाएंगे। अभी हम नेक्स्ट वाले स्ट्राइप्स लेंगे, ये वाली, इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। इधर रखेंगे और इस पे भी हमें पिंस लगानी है। ऐसे हम थर्ड वाले स्ट्राइप्स लेंगे। हमें सारे स्ट्राइप्स ऐसे ही रखनी है और इन पे पिंस लगाते हुए जाना, भी सभी को हम कंप्लीट करते हैं। हमने पूरे में पिंस लगा दी हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें बैक से ऐसा दिखाई दे रहा है, अब इस पर सिलाई लगा के लाते हैं। हमने सिलाई लगा दी है, अभी इसकी पिंस निकाल लेते हैं हम सभी। ये हमारी पिंस निकल गई है, सिलाई लग गई है। अभी हमने इसके ऊपर रखा है बड़े वाले के ऊपर और इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर पिंस लगाएंगे।
अब इधर वाले स्ट्राइप्स को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। और पिंस लगाएंगे। अब इस स्ट्राइप्स को भी फोल्ड करेंगे हम। ऐसे ही हमें पूरे को फोल्ड करके पिंस लगानी है, जैसे हमने इधर किया है ऐसे हमें पूरे में करना है। अभी हम इनको भी कंप्लीट करते हैं। हमने ये पूरे में पिंस लगा दी हैं, अभी हमें इनके ऊपर सिलाई लगानी है। इसको ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।